क्वेश्चन नंबर 3 का 5, 4, 8, 12, 16 एंड 4 नेक्स्ट टर्म हमने फाइंड करनी है। तो इसमें ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें जस्ट हम 4 ऐड करते जा रहे हैं। 8 माइनस 4 करें तो क्या आएगा, 4, 12 माइनस 8 करें तो 4, 16 माइनस। तो अगर आप इस तरह भी लिखना चाहें कि ए वन इज इक्वल टू 4, ए टू इज इक्वल टू ए वन प्लस 4 एंड सो ऑन चल रहा है, इस तरह भी ठीक है। अगर आप डिफरेंस बताना चाहते हैं किसी को, कोई इसमें मसला नहीं है, इस तरह करें कि आपको समझ आ जाए, इस तरह भी कर सकते हैं, ऐसे यूँ भी कर सकते हैं। ए टू माइनस ए वन क्या है हमारे पास, 4 है। ए थ्री माइनस ए वन अगर आप लिखना भी चाहें, ए थ्री 12 माइनस 8 है तो क्या है, 4 है। एंड इस तरह ए अगर हम सो आज लाइन बना लूँ मैं तो ये क्या है, ए फोर माइनस ए थ्री, ए फोर इधर ए टू आएगा, ए फोर माइनस ए थ्री, तो सॉरी यहाँ तो लाइन की ज़रूरत ही नहीं है, इतना है ही, तो ये भी 4 है। इसी तरह जो डिफरेंस आ रहा है सारों का 4 चलेगा। तो नेक्स्ट टर्म हम इनमें 4 ऐड करते जाएंगे तो नेक्स्ट टर्म आती जाएंगी, लेकिन इस तरह का मुझे इस तरह आसान लगता है क्योंकि एक ऐड एड सब्ट्रैक्ट के सीन ज़रा मुश्किल रहते हैं। ए टू ए माइनस ए वन प्लस 4, तो ये क्या आ जाएगा, 8। ए वन क्या है, 4 है। आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि 4, 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। इसी तरह ए थ्री क्या आ जाएगा, ए टू प्लस 4, 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12। इस तरह ए फोर आ जाएगा, ए थ्री प्लस 4, 16 प्लस 4 इज इक्वल टू, सॉरी 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16 एंड सो ऑन नीचे चलती जाएगी। ए फाइव आ जाएगा, ए सिक्स आ जाएगा, ए सेवन आ जाएगा एंड ए एट आ जाएगा, जो रिक्वायर्ड टर्म्स हैं हमारी। किस तरह आती जाएंगी कि ए फोर में हम ऐड कर देंगे कितना, 4, तो 16 प्लस 4 इज इक्वल टू 20। तो ए फोर कितना आ गया हमारे पास, सॉरी ए सिक्स फाइव कितना आ गया, 20। इसी तरह ए फाइव प्लस 4 कर देंगे तो ये बन जाएगा 20 प्लस 4, जो कि क्या आ जाएगा, 24। ये वो टर्म्स आ रही हैं जो हमारी सीरीज की हमने फाइंड करनी है। इसी तरह ए सिक्स प्लस 4 कर देंगे, 24 प्लस 4 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 28। अब ए सेवन प्लस 4 करते हैं, अगर सीरीज वाइज चल रहे हैं तो 28 प्लस 4 हो जाएगा और ये बन जाएगा 32। तो मतलब ये हमारी नेक्स्ट 4 टर्म जो हमने सीरीज की फाइंड करनी है। ये भी एक वाज़ह क्वेश्चन है कि टीचर एग्जामिनर को पता चल जाएगा टर्म्स का पता है, फिर उसके बाद सिमेट्री, ये सिमेट्री आ गई, इसमें सिमेट्री क्या है, उसमें ऑर्डर क्या है, 4 के ऑर्डर से चेंज हो रही हैं वैल्यूज, फिर उसके बाद जो आप रिफाइंड कर रहे हैं वेरिएबल की वैल्यूज पुट कर रहे हैं, ये भी टीचर को समझ आ जाएगी और ये जवाब आ जाएंगे। उसके बाद एंड पे लिखते हैं नेक्स्ट 4 टर्म्स आर, नेक्स्ट 4 टर्म्स आर कौन सी हैं, 20, 24, 28 एंड 32। ये नेक्स्ट 4 टर्म्स आ गई हमारे पास, ठीक है।